वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड। यहाँ पर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कवर कर रहे हैं जो आरओ यारो का जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उस सारे एग्जाम जो जिस जिसमें ये जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो पूछा जाता है उस सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य की उपमा, इसको एक शब्द में नारद कहते हैं। झूठ बोलने वाला ये झूठा कहलाता है। झूठा या फिर मिथ्या बोलने वाला ये मिथ्यावादी होता है। टाइप करने की कला, इसको एक शब्द में टंकड़ कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक अपने क्रम में आया हुआ, इसके लिए क्रमागत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वह तर्क संगत होता है। और तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। तलाक या पति की मृत्यु के बाद वह काल जिसमें मुसलमान स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती, उसके लिए इद्दत शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तांत्रिक, जो अपने हाथ में कपाल अथवा खोपड़ी लिए रहते हैं उसको एक शब्द में कापालिक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसकी वर्तनी भी आप देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसकी वर्तनी शुद्धि अशुद्धि के भी क्वेश्चन आते हैं। तारों भरी रात, इसके लिए विभावरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं तालाब में खिला हुआ कमल सरसिज कहलाता, सर मीन्स तालाब होता है और जो तालाब में खिला हुआ कमल होता है उसके लिए सरसिज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तिलक लगाने में प्रयुक्त अखंडित चावल या फिर जो छत ना हुआ हो वह चावल, उसके लिए अक्षत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीन नदियों गंगा यमुना सरस्वती का संगम, इसको एक शब्द में त्रिवेणी या फिर संगम कहते हैं। तीन फलों आंवला हर्रा बहेड़ा का मिश्रण जो होता है वो त्रिफला कहलाता है। नेक्स्ट है तीन युगों में होने वाला यह त्रियुगी होता है। तीन युगों में होने वाला यह त्रियुगी होता है। तीन लोक आकाश पृथ्वी पाताल जो इससे संबंधित होता है वो त्रिलोक या फिर त्रिभुवन कहलाता है। तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी होता है। वहीं तीन तीनों गुणों सत्व रज तम, इसको एक शब्द में त्रिगुण कहते हैं। तीनों दोष वात पित्त कफ, तीनों दोष को एक शब्द में त्रिदोष कहते हैं। तीनों प्रकार का ताप या फिर कष्ट यानी दैहिक दैविक भौतिक, तीनों प्रकार का जो ताप होता है उसके लिए एक शब्द हो त्रिताप। तीनों लोकों का समाहार, इसे त्रिलोकी कहते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, इसके लिए प्रति उत्पन्न मत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द है इसकी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और ये वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रत्युत्पन्न मत। नेक्स्ट है तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए तितीर्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं तैर कर पार करने की इच्छा ये तितीर्षा कहलाती है। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला ये मिताहारी होता है। वहीं थोड़ी जगह में अधिक आदमियों अथवा वस्तुओं का जमाव, इसके लिए घिचपिच शब्द का प्रयोग किया जाता है। दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास ये दंड प्रणीत कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दंड प्रणीत होता है। 10 साल की कुमारी कन्या कहलाती है। वहीं 10 से 15 साल की लड़की के लिए किशोरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। दान में प्राप्त हुआ दास, इसे लब्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, लब्ध कहते हैं। नेक्स्ट है दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका, इसके लिए एक शब्द है दीवाभिसारिका। दीवाभिसारिका जो दिन के समय अपने प्रिय से मिलती है उसे दीवाभिसारिका कहते हैं। दिन भर का कार्य ये दिनचर्या होता है। नेक्स्ट है दिन में कम दिखाई देने वाला रोग वो दिनौधी होता है। वहीं रात में कम दिखाई देने वाला रोग, इसके लिए रतौंधी शब्द का प्रयोग किया जाता है। दिल खोल कर या फिर खुले हाथ खर्च करने वाला, इसके लिए मुक्त हस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दिल खोल कर कहना अथवा गाना यह मुक्त कंठ होता है। नेक्स्ट है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, यह सदावर्त कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला है दीवार पर बने हुए चित्र के लिए भित्त चित्र, एक शब्द में भित्त चित्र कहा जाता है। दुख कष्ट आदि सहन कर लेने वाली शक्ति ये तितिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है दुधारू पशुओं का स्तन, इसके लिए एक शब्द है थन। दुराचारिणी स्त्री, इसको एक शब्द में कुलटा कहते हैं। नेक्स्ट है
दुर्गमों या फिर प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाली नायिका, इसके लिए एक शब्द है खलनायिका। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली संधि या फिर मंत्रणा या फिर साजिश, इसको एक शब्द में दुराभिसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दुराभिसंधि। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, उसको एक शब्द में पंचामृत कहते हैं। जो पूजा पाठ में तैयार किया जाता है, दही दूध ये सारे जो ऊपर लिखे गए हैं, तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? पंचामृत कहते हैं। दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग ये अग्निकांड कहलाती है। अग्निकांड मतलब वह आग जो दूर तक जाती है और बहुत ज्यादा नाशक होती है। नेक्स्ट है दूसरों की बुराई खोजने वाला, वो परिच्छिद्रान्वेषी कहलाता है। क्या कहलाता है? परिच्छिद्रान्वेषी। यह भी अवर्तनी शुद्धि में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, परिच्छिद्रान्वेषी। इसकी भी वर्तनी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दूसरे के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना, ये आत्मोत्सर्ग कहलाता है। वहीं दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, इसके लिए राजदूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरे या फिर विरोधी पक्ष में रहने वाला या फिर प्रतिकूल पक्ष का, इसे प्रतिपक्षी कहते हैं। वहीं दूसरों को उपदेश देने वाला, ये परोपदेशक होता है। जैसे बुद्ध के द्वारा सारनाथ में जो उनका पहला उपदेश दिया गया था, तो इस कंडीशन में जो गौतम बुद्ध हैं वो परोपदेशक कहलाते हैं। दूसरों का उपकार करने वाला, ये परोपकारी होता है। वहीं दूसरों का दुख देखकर हृदय भर जाना, ये करुणा, इसके लिए करुणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरों का भला करने वाला, ये परमार्थ या फिर परोपकार, दोनों शब्द प्रयोग किया जाता है। परमार्थ या फिर परोपकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरों की उन्नति को देख ना सकना या दूसरों की उन्नत को ना देख सकना, इसके लिए ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या शब्द का प्रयोग होता है। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला, ये विघ्नकारी अथवा विघ्नकर्ता होता है। दूसरों को जान से मार डालने वाला, ये हत्यारा कहलाता है। वहीं देखने की इच्छा के लिए दिदिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा देने की इच्छा के लिए दित्सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखने की इच्छा दिदिक्षा और देने की इच्छा ये दित्सा कहलाती है। देवताओं अथवा भूत आदि के द्वारा प्राप्त दुख ये आदि दैविक कहलाता है। वहीं अगर सांसारिक लोक से जो दुख प्राप्त होता है, उसके लिए आदि भौतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। देश से बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया, इसको एक शब्द में निर्वासन कहते हैं। तथा देश से बाहर माल भेजना, जो देश से बाहर माल भेजा जाता है वो निर्यात कहलाता है। जब कोई माल विदेशों से अपने देश के लिए मतलब विदेशों से आयात किया जाता है, उस कंडीशन में वो क्या होता है? आयात। उसे क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। यानी जब हम अपने देश से माल को बेचते हैं तो वो उस कंडीशन में निर्यात शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जब हम किसी देश से माल को खरीदते हैं तो वह आयात होता है। नेक्स्ट है देशों के बीच या दो या अधिक देशों के बीच संबंध, ये अंतर्देशीय कहलाती है। दो दिशाओं के बीच का कोना, ये विदिश या फिर विदिक कहलाती है, विदिश या फिर विदिक होती है। नेक्स्ट है दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान, इसको एक शब्द में संगम कहते हैं। जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना का जो मिलन है, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? संगम बोलते हैं। तो वही पूछा गया है कि जो दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान, यह संगम कहलाता है। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला, इसको एक शब्द में दुभाषिया कहते हैं। यानी जो दो भाषा का जानकार होता है, या फिर जो दो लोग होते हैं और दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनके बीच में जो मीडिएटर का कार्य करता है, जो दोनों की भाषाओं को एक दूसरे से समझा देता है, तो उसी को दुभाषिया बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच का स्थान जो होता है वो द्रोण या द्रोणी कहलाती है। वहीं जो दो भाषाएं बोलने वाला हो वो दुभाषी होता है। कंफ्यूज नहीं हो जाए, होना है, जो दो भाषाएं बोलता है वो दुभाषी होता है, और जो दो भाषाओं के मध्य मतलब जो समझाने की भूमिका निभाता है उसे दुभाषिया बोलते हैं। दो मकानों के बीच की गली, ये अंतरिका कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों या फिर पदों का योग, यह एक शब्द में समास कहलाता है। और दो वर्णों का मेल या योग, वो संधि कहलाते हैं। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, जब दो शब्दों का योग पूछे तो समास होता है, वहीं जब दो वर्णों का योग पूछे तो उस कंडीशन में यह संधि होती है। नेक्स्ट है दो वेदों को जानने वाला, यह द्विवेदी कहलाता है।
दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान घाटी होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जब दो पर्वतों के बीच का स्थान क्या होता है, द्रोणी होता है। वहीं दो या दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान जो होता है, सॉरी, जब दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान होता है उसके लिए घाटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोपहर का समय मध्याह्न होता है, ये भी वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है। वहीं दोपहर के बाद का समय ये अपराह्न होता है। दोपहर से पूर्व का समय, इसको एक शब्द में पूर्वाह्न बोलते हैं। धन का देवता कुबेर कहलाता है। धन देने वाला धनद होता है। वहीं धन देने वाली के लिए धनदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो धन से संबंध रखने वाला हो वो आर्थिक होता है। और धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न ध्वनि, धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न ध्वनि, इसको एक शब्द में टंकार या फिर धनुषा टंकार कहते हैं। धनुष धारण करने वाला ये धनुर्धर होता है। वही धरती और आकाश के बीच का स्थान, इसके लिए अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र ये औरस पुत्र होता है। वहीं जो जो दूसरे की पत्नी से उत्पन्न पुत्र होता है उसके लिए जारज शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, यह जो अनेक शब्दों का एक शब्द वाला जो ये सीरीज है, इसमें लगभग 15 सीरीज आपको दिए जाएंगे। और सारे जो अनेक अर्थ जो अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसमें सारे कवर किए जाएंगे। तो आप लोग इसको अभी से सीरियसली देखिएगा, और इसमें वो सारे शब्द जो आपको नहीं आते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई नोट्स बना लीजिएगा, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जब एग्जाम आपका पास होगा तो उस टाइम बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है धारण करने से कठिन, या धारण करने में जो कठिन होता है उसके लिए दुर्वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। धारण करने में समर्थ बुधार विष्णु कहलाता है। धारण करने वाला, इसको एक शब्द में धारक या फिर धारिता कहते हैं। धारण करने वाली ये धारित्री कहलाती है। धारण करने वाली धारित्री कहलाती है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला या धर्म में रुचि रखने वाला, इसको एक शब्द में धर्मात्मा या फिर धर्माचारी कहते हैं। ध्यान या विचार करने वाला या ध्याता होता है। ना करने योग्य अथवा ना किया जा सके, उसको एक शब्द में अकरणीय कहते हैं। ना घबराने वाला व्यक्ति वो अकातर कहलाता है। यानी ना घबराने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए एक शब्द क्या है, अकातर है। ना बहुत ठंडा और ना बहुत गर्म, इसको एक शब्द में समशीतोष्ण कहते हैं। ना हो सकने वाला, इसको अशक्य कहेंगे। वहीं नख से सिख तक के सब अंग, उसको नख सिख कहेंगे। नगर में रहने वाला ये नागरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट है नभ से उत्पन्न होने वाला, इसको एक शब्द में नभोत्पन्न कहेंगे। नया उदित होने वाला ये नवोदित कहलाता है। नए नए बनाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश, इसे गृह प्रवेश कहते हैं। जब कोई घर बनता है तो उसमें स्टार्टिंग में पूजा पाठ किया जाता है और तब उसके बाद उसमें प्रवेश किया जाता है, तो उसी जो पूरा प्रोसेस है उसी को गृह प्रवेश कहते हैं। नेक्स्ट है नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला, इसके लिए नारकीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। नवीन बनाने की क्रिया वो आधुनिकीकरण होती, चाहे कोई वस्तु हो या फिर कोई सिद्धांत हो, उसको जो नवीन बनाने की क्रिया होती है उसके लिए आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। नष्ट ना होने वाला अनश्वर होता है। वहीं नष्ट होने वाले के लिए नश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाक से बाहर निकलने वाली सांस, इसके लिए एक शब्द है निःश्वास। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, इसे काली सूची यानी ब्लैकलिस्ट कहते हैं। नियोग या संरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र, इसे क्षेत्रज पुत्र कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, नियोग या संरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र ये क्षेत्रज पुत्र कहलाता है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा जो होती है वो उदीसा कहलाती है। नेक्स्ट है निराश या पराभूत किया हुआ, उसके लिए प्रतिहत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो यहाँ पर लाइनिंग लगी है लगभग वो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं जहाँ पे ये वाली लाइनिंग की गई है। निराश या पराभूत किया हुआ प्रतिहत होता है। निर्णय करने वाला निर्णायक होता है, निर्णायक होता है। निशा यानी रात्र में विचरण करने वाला, इसके लिए निशाचर शब्द का प्रयोग किया जाता है। निशाचर या राक्षस का भी पर्यायवाची होता है, राक्षस। नीचे जात का व्यक्ति वो अंतावसायी कहलाता है। वहीं नीचे की ओर आना या फिर जाना, यह क्या होता है, उतरना होता है। नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए अधोमुख शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं नीचे की ओर लाना या फिर खींचना या अपकर्ष कहलाता है। क्या अपकर्ष होता है,
नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ होता है, वही नीले रंग का कमल जो होता है वो नीलोत्पा होता है। क्या होता है? नीलोत्पा होता है। न्यायालय का वकील अधिवक्ता कहलाता है, न्यायालय का वकील जो होता है वो अधिवक्ता कहलाता है। वही पखवारे में एक बार होने वाला, इसके लिए पाक्षिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। पचाने की क्रिया करने वाला पाचक होता है। वही पढ़ने की सामग्री के लिए पाठ्य सामग्री शब्द का प्रयोग होता है। पतली कमर वाली नायिका, इसके लिए तन्वी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वही पति का बड़ा भाई, ये जेठ कहलाता है। जेठ पति के छोटे भाई की पत्नी, ये देवरानी कहलाती है। वही पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, ये परित्यक्ता होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए परित्यक्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये परित्यक्ता शब्द जो है तो वर्तनी शुद्ध में भी पूछा जाता है। पति परायण स्त्री अथवा अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली, इसको एक शब्द में पतिव्रता कहते हैं। पति या पत्नी के पिता का घर, ये ससुराल होता है। नेक्स्ट है, पति या नायक का अपमान कर पीछे पछताने वाली नायिका, इसको एक शब्द में कलहांतरिता होती है। क्या? कलहांतरिता कहते हैं। पत्ते की बनी हुई कुटी, ये पर्ण कुटी कहलाती है। पत्थर के समान हृदय या पाषाण हृदय होता है। पद का लालची पद लोलुप कहते हैं। पद, जो व्यक्ति पद का लालची होता है उसे पद लोलुप कहते हैं। पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा, इससे क्या बोलते हैं? कनिष्ठ। जो औरों की अपेक्षा छोटा होता है पद वय या विचारों किसी के भी तुलना में, तो उसे कनिष्ठ कहते हैं। वहीं जब औरों की अपेक्षा बड़ा होता है तो उसे वरिष्ठ बोलते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित नायिका, उसको एक शब्द में परकीय कहते हैं। वहीं परंपरा से आई हुई बात, इसके लिए परंपरागत शब्द का प्रयोग किया जाता है। परंपरा से कही हुई बात या उक्ति या अनुषित होती है, उक्ति के लिए अनुषित शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं परंपरा से संबंधित बात, ये पारंपरिक होता है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।